बल्कमर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होेंगे आज मैंने ब्लॉग फिर वापस से शुरू किया है तो कि ये मेरा सेकंड ब्लॉग है लेकिन हाथों में पुकरा हुआ पहले तो कैमरा मैन था उसने पुकरा हुआ था और अभी मेरी चल रहा है स्कूल में इंग्लिश डिबेट कंपटीशन तो मैंने की है मुझे आना था मुझे सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफ़ाई करना था तो मैंने लिखी है फ़ोर पेजेस की स्पीच मैं आप लोगों को आज वो सुनाऊंगा और मैंने करना था आज नूडल्स का चैलेंज जो नहीं कर पाया बिकॉज भा, भाई के साथ करना था मैंने और मेरे भाई को वामटिंग हो ये रात को एकदम से उठा और उसको वामटिंग हो गई तो अभी चलते हैं अपनी कॉपी निकालते हैं जिसमें डिबेट लिखी हुई है और फिर आपसे मिलते हैं ये है वो कॉपी जिसके अंदर मैंने डिबेट लिखी हुई है और अब चलते हैं ऊपर ऊपर हमारे लिए शेक रेडी है और शेक पीते हैं फाइनली हम ऊपर भी आ गए अब जल्दी से शेक पीते हैं ये शेक और ये है वो भाई जिसकी तबीयत ख़राब थी आज आज कार्टून देख रहे हैं अभी ये इसकी वजह से मैं लॉक नहीं बना पाया आ, मैंने मतलब चैलेंज नहीं कर पाया और इसने स्कूल से उल, उल्टा छुट्टी भी की है तो अब मैं आपसे मिलता हूँ शेक पीकर तो गाइज़ मैंने शेक पी लिया था और अब मैं आपको सुनाऊंगा अपनी स्पीच और मेरी स्पीच का टॉपिक है हाउ टू तो ओवर एग्जाम हाउ टू तो ओवरकम एग्ज़ाम्सर इसका मतलब है जब आपके आप लोग एग्ज़ाम्स के आपके एग्ज़ाम्स पास आने लगे होते हैं और आप लोगों को आप बहुत स्ट्रेस में चले जाते हो तो उसकी उसको उसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है तो मैं आपको शुरू करता हूँ Assalamu alaikum, my name is Ahmad Amjad and I am from Grade 4 Rose. Today I have written a speech, and the topic of my speech is how to overcome exam fever. Feeling the heat of exams, it's totally normal to get a bit stressed. But let's talk about some simple ways to cool down that exam fever. First off, time management is your superhero. Make a study plan that doesn't feel like climbing on Mount Everest. Break down your study session into small bits and don't forget to take breaks. As someone says, failure is not an option in exams if you keep focused and motivated. Now let's talk about taking care of yourself. Sleep is like a magic potion of your brain. Make sure you are getting enough of it. And guess what? Exercise is like a superhero workout for stress. Even a short walk can do wonders. Eat well to your brain loves those healthy snacks. Next up, change how you study. Spread out your study session and try fun things. Like teaching a material to a friend or making colorful mind maps. It's like turning study into adventures. They're not a waste of time. They're a secret weapon. Dig for breaks to do things you enjoy. It's like hitting a rest button to your brain. Don't go it alone. Talk to your friends, family or anyone who will listen to sharing what's on your mind help lighten the load. You might even learn something from your friends, family, or anyone. Lastly, managing time, taking care of yourself, changing your study routine, and taking breaks and keeping a positive attitude are the keys to overcoming the exams fever. So, my speech finally finished. और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कैसी थी स्पीच और आप लोग मुझे रिकमेंड करें कमेंट्स में कि मैं कैसे कैसे चैलेंजेस करूं और इन कल मैं नूडल्स का चैलेंज करूंगा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दुआओं में याद रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा अल्लाहफि